सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए अच्छे कर्म कर लीजिए। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। किसी के बुरे वक्त में उनका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको जिंदगी भर के लिए दुआ दे जाएगा। सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, मेहनत करने से कभी मत थकना और कभी मत रुकना। आज का पंचांग 9 मई 2021 दिन रविवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवति नामक नक्षत्र शाम 5:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:16 से 6:54 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 5:29 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगे। मेष राशि 9 मई 2021 दिन रविवार, आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा। इसे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम लें और किसी और की चालों का शिकार ना बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगे। अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर और चिंता मुक्त दिन गुजार सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए भविष्य संबंधित योजनाओं पर कुछ विचार विमर्श करेंगे तथा परिवार में चल रही अव्यवस्था को भी दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाएंगे और आप काफी हद तक इन कार्यों में कामयाब भी रहेंगे। जीवन से संबंधित अलग अलग बातों में संतुलन बनाए रखने की आज आवश्यकता होगी। काम के साथ व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें। परिवार की जो जिम्मेदारियां आप ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, उनके लिए परिवार के लोगों की मदद लेना जरूरी होगा। मन में किसी प्रकार की चिंता और डर बसा रहेगा, जिसके कारण दिन भर बेचैनी महसूस होगी। काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी और शारीरिक ऊर्जा और उत्साह कम होने के कारण काम को पूरा कर पाना आज मुश्किल हो सकता है। पार्टनर के द्वारा मिल रहा सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर से सेहत की जांच करवाएं। सावधानियां, योजना बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ अनुकूल हो जाएगी। खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में पछताना भी पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपस में बैठकर बातचीत व सहयोग करना तनाव मुक्त और ऊर्जावान रखेगा। आज के दिन अपने संबंध को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हैं और अगर पहले से किसी से जुड़े हैं तो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। हालांकि मामला तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला जब तक आप खुद पहल ना करें। आपको कमान खुद अपने हाथों में लेनी होगी। बात करते हैं करियर की। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में मुख्य वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो आपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है, लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेगी। सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से जरूरत के मुताबिक काम चलते रहेंगे।
नौकरी पेशे लोग अपने काम के प्रति लापरवाही ना करें, किसी प्रकार की इंक्वायरी भी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। जुखाम जैसे हल्की फुल्की परेशानी रहेगी, घरेलू इलाज से ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। सेहत और स्वास्थ्य केवल शरीर की ही अवस्था नहीं है, बल्कि इसका संबंध मन से भी है। इस बात को समझने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। आज आपको चाहिए कि आपने मन में जमा हुआ सब अतिरिक्त कबाड़ साफ कर दें और खुद को शांति से समझकर देखें। असंभव को प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें, इसके स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लें। आप पाएंगे कि आपको वो संतुष्टि मिल गई है जिसे आप पाना चाह रहे थे। आज का उपाय, हो सके तो गरीबों को घी का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।